कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन है, वहीं गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाएं और भामाशाह आगे आने लगे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है सीकर के फतेहपुर में, जहां पर लॉकडाउन को लेकर कई लोगों के सामने विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई। इन परिस्थितियों को पार पाने के लिए चार दोस्तों ने एक सकारात्मक पहल शुरू की है। आपको बता दें, इस पहल के तहत रोजाना 500 लोगों से इस पहल की शुरुआत की गई। मुहिम अब हजारों लोगों का सहारा बन गई है। गौर करने वाली बात इसमें यह है कि सामाजिक सरोकारों को निभाने वाले ये लोग सभी तरीके की सावधानियां भी बरत रहे हैं। इसके चलते पूरे फतेहपुर में यहां से जरूरतमंदों को खाना लगातार मुहैया कराया जा रहा है। ये मुहिम शुरू की गई थी 24 मार्च को। 24 मार्च को हमने पहले हमारे स्तर पे दोस्तों ने अपने स्तर पे टिफिन वितरण शुरू किया था। उसके बाद भामा साहब का सहयोग मिला, सारे दोस्त अपने आप जुड़े इस मुहिम से। तो लगातार रोज 2500, 2000, 2200, 2300 इस तरह से टिफिन बनाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाके उनके जो असहाय जरूरतमंद लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनके घर तक ये पहुंचाया जाता है ताकि लोग ये है वो भूखे ना सोए। इसलिए पूरा यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है, पूरी सावधानी बरती जाती है। इसके बाद गाड़ियों से फतेहपुर के अलग अलग कोनों में जो बाहर के मजदूर यहाँ आए हुए हैं उन तक, जो रेडी लगाते हैं, जो ठेला धारक है, उन तक ये खाना पहुँचाते हैं दोनों समय। दोपहर का खाना अभी शुरू कर देंगे, 11 बजे करीब दोपहर का खाना।